हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं साइफा या साइकॉन के बारे में। साइफा को क्लश स्पंज भी कहा जाता है, सक्रेट स्पंज के नाम से भी जाना जाता है। क्लश स्पंज इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसकी आकृति कलश के समान होती है, और क्रिट स्पंज इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके सिरे पर ऊपर की तरफ एक क्राउन की सी आकृति बन जाती है, मतलब मुकुट की सी आकृति बन जाती है, इसलिए इसे क्रिट स्पंज भी कहा जाता है। आइए हम आगे पढ़ते हैं साइफा का वर्गीकरण। यहाँ पे देखिए आप, इसका संघ है जो पॉरीफेरा होता है, और वर्ग कैलकेरिया, और गण हेटेरोसिरा हेटेरोसिला, और तथा कुल साइसिटाइडी वंश साइफा या साइकोन होता है। अगला पॉइंट देखते हैं, पॉरीफेरा वर्ग के सदस्यों को स्पंज भी कहते हैं तथा इन्हें सामान्यतः छिद्रदेही ये भी कहा जाता है क्योंकि इनकी देह भित्ति में छिद्र होते हैं, इसलिए इन्हें छिद्रदेही जीव भी कहा जाता है। इसे मेटाजोआ जगत में रखा गया है, मेटाजोआ जगत के उपजगत पैराजोआ में रखा गया है। इसके लक्षणों के कारण इसे मेटाजोआ जगत के उपजगत पैराजोआ में रखा गया है। स्पंज तीन प्रकार की होती है मुख्यतः, एस्केनोइड, साइकनोइड और ल्यूकेनोइड। एस्केनोइड सबसे सरल व आदिकालीन स्पंज हैं। एस्केनोइड जो स्पंज होती है ना, वो सबसे सरल और आदिकालीन सबसे पुरानी स्पंज है, मतलब सबसे सरल इनका शरीर होता है। और साइकेनोइड, इनमें साइफा व ग्रेंसिया आते हैं, मतलब साइफा हम पढ़ेंगे इसके बारे में, और ग्रेंसिया, ग्रेंसिया एक यूरोपीय वंश है, आगे पढ़ेंगे इसके बारे में थोड़ा सा ना। और ल्यूकेनोइड, ल्यूकेनोइड यह जटिल व बड़े प्रकार के होते हैं, ये आधुनिक स्पंज होते हैं। आगे चलते हैं, ग्रेंसिया, ग्रेंसिया एक यूरोपीय वंश है, अभी मैंने बताया था आपको। ये साइकेनोइड में साइफा और ग्रेंसिया आते हैं, ग्रेंसिया यूरोपीय वंश है, इसमें बाहरी आवरण कोर्टेक्स का अभाव होने से यह साइफा साइफा इससे भिन्न होता है। अर्थात इसमें है ना, जो बाहरी आवरण कोर्टेक्स का अभाव होता है, साइफा साइफा में बाहरी आवरण कोर्टेक्स जो पाया जाता है ये